एक ऐसा देश जो है तो बहुत छोटा लेकिन दुनिया के करोड़ों की आबादी को रोज खाना देता है, उनका पेट भरता है। अगर ये देश ना होता तो दुनिया के कई देशों में भुखमरी की समस्या पैदा हो जाती। फार्मिंग और एग्रीकल्चर के मामले में देश दुनिया का सबसे उन्नत देश है दोस्तों। हम भारतीय तो शायद अब तक भारत को ही किसानों का देश समझते हैं, मगर इस देश की जिसकी हम बात कर रहे हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर और तकनीक का ऐसा संगम देखने को मिलता है जो बड़े बड़े सुपर पावर देशों तक को अपनी किसानी पटकनी देने की हैसियत रखता है, वो भी तब जब इस देश के पास जमीन बहुत कम है। हम जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं वो है उत्तरी पूर्व यूरोप में बसा नीदरलैंड। वही नीदरलैंड जो अमेरिका से 270 गुना छोटा है, रूस से 412 गुना छोटा है, मगर इसका एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वैल्यू रूस से 4 गुना ज्यादा। दोस्तों ये छोटा सा देश इतने बड़े पैमाने पर खेती करता है कि विश्व में फूड एक्सपोर्ट के मामले में नंबर 2 पर आ चुका है। दोस्तों ये देश पिछले 500 सालों से लगातार दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार होता है। आपको बता दें कि भारत की जमीन नीदरलैंड से 95 गुना ज्यादा फर्टाइल है, यानी ज्यादा उपजाऊ है, लेकिन फिर भी नीदरलैंड की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वैल्यू भारत से 2 गुनी से ज्यादा है। जहाँ भारत की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वैल्यू $45 बिलियन है, वही नीदरलैंड जहाँ की मिट्टी हमारे भारत से 95 गुना कम उपजाऊ है उसकी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वैल्यू $105 बिलियन से ज्यादा है। जी हाँ, आखिर कैसे नीदरलैंड ये करिश्मा करने में सफल रहा, कैसे नीदरलैंड पूरी दुनिया का पेट भर रहा है, कैसे इतने छोटे से देश में इतना सारा खाना उगाया जा रहा है। आपके मन में आ रहे सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो इस देश में हजारों लोग भुखमरी के शिकार हो गए थे, खासकर इस देश के गरीब लोग। उसके बाद यहाँ की सरकार ने ठान लिया था कि नीदरलैंड में फूड प्रोडक्शन को इतना डेवलप करेंगे, इतना एडवांस बनाएंगे कि यहाँ कभी भी भुखमरी की समस्या नहीं रहेगी। तब से लेकर आज तक नीदरलैंड के किसान फूड प्रोडक्शन से जुड़ी तकनीकों पर लगातार काम कर रहे हैं और आज ये देश एग्रीकल्चर और तकनीकों में सबसे आगे पहुंच चुका है। आपको शायद यकीन ना हो कि सन 1980 में 80 टन आलू प्रतिवर्ष उगाए जाते थे, लेकिन आज 560,000 टन आलू उगाए जाते हैं। इससे इस देश की एग्रीकल्चरल तकनीकी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस देश की एग्रीकल्चरल सक्सेस का सबसे बड़ा हाथ यहाँ के एजुकेशन और रिसर्च का है। यहाँ पर हमेशा से ही एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नई नई रिसर्च की जाती है। दुनिया भर के स्टूडेंट यहाँ पर एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के लिए आते हैं। यहाँ के एजुकेशन टेक्निक और गवर्नमेंट पॉलिसी के तालमेल का ही नतीजा है ये कंट्री दुनिया में सब्जियों और फलों की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है। यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत ज्यादा उन्नत है दोस्तों, जो एक्सपोर्ट को बहुत ईजी बना देता है। यहाँ खेती में ड्रोन्स और रोबोटिक मशीनों को काफी अहमियत दी जाती है। यहाँ के ट्रैक्टर्स भारत के ट्रैक्टर्स जैसे नहीं होते, यहाँ के ट्रैक्टर्स कई तरह के होते हैं जो फसल उगाने में, बुआई करने में और जुताई आदि करने में माहिर होते हैं। यहाँ के किसानों को बस इन्हें ट्रैक करने की जरूरत होती है, सारा काम मशीनों से ही किया जाता है। यहाँ पर सेंसर्स रोबोट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। जब भी फसलों को ज्यादा पानी देने की आवश्यकता होती है तो ये रोबोट्स फसलों को खुद ही पानी पहुँचा देते हैं। नीदरलैंड में फसलों को LED लाइट की मदद से भी उगाया जाता है, इससे हर साल यहाँ पर 90,000 यूरो की बचत कर लेते हैं लोग। यहाँ पर ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर तो बिल्कुल आम बात है। यहाँ ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर की खास बात यह है, यहाँ पर केमिकल, पेस्टिसाइड और पोल्ट्री में एंटीबायोटिक्स का उपयोग कम से कम किया जाता है। दोस्तों नीदरलैंड की तकनीक इतनी ज्यादा है कि चाइनीज गवर्नमेंट भी अपने स्टूडेंट को यहाँ पर एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के लिए भेजती है, ऐसा सालों से होता आ रहा है। चीन में नीदरलैंड की डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग सबसे ज्यादा है। भारत सरकार भी अब नीदरलैंड के साथ एग्रीकल्चर की फील्ड में कोलैबोरेट कर रही है, जिससे आने वाले समय में भारत में भी एग्रीकल्चर का भविष्य उज्ज्वल हो सके। दोस्तों आपको क्या लगता है कितना समय लगेगा भारत को नीदरलैंड जैसा उन्नत बनने में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कल ऐसे रोमांचक दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम शांति।